दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करने से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आ चुका है काफ़ी लोग मुझसे कमेंट करके पूछ भी रहे थे कि कोई ऐसा तरीका बताइए जहां से हम लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकें और हम लोगों को आधार सेंटर पर जाने की आवश्यकता ना पड़े तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी तरीके के बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से घर बैठे ही बिना आधार सेंटर जाए बिना कोई भी अपॉइंटमेंट को बुक किए अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं इसका क्या पूरा प्रोसेस रहेगा ये जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा तभी सभी कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाली है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए आप लोगों पचास रुपए देने पड़ेंगे तो ओपन तो कर, तो कर लेना है और यहां पर आपको टाइप करना है यू आई डी ए आई इतना टाइप करने के बाद में आपको सर्च कर देना है जो भी फर्स्ट नंबर पर आपको वेबसाइट दिखाई देगी आपको यहीं पर एक बार क्लिक करना है और यहां से आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको कुछ नीचे के साइड में आना है और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा आधार सर्विसेस आधार सर्विसेस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आधार लिंकिंग स्टेटस आधार लिंकिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा यहाँ पर आपको कुछ नीचे के साइड में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चेक आधार वैलिडिटी तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है यहां पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर कर देना है इसके बाद एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है और आधार नंबर और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही आप प्रोसेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका जो आधार नंबर है वो देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहां पर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में इस समय कोई भी मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है अगर मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आपके मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो यहां पर आप लोगों को कोई भी मोबाइल नंबर के डिजिट देखने को नहीं मिलेंगे यहां पर आपको आई एन यानी कि ना लिखा हुआ आ जाएगा तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस प्रोसेस के माध्यम से ये चेक कर लेना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है अब अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है इसके लिए दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से एक न्यू अपडेट आ चुका है जो कि अभी जल्द ही यहां पर जारी किया गया है यहां पर आप लोग देख सकते हो अपडेट मोबाइल नंबर इन योर आधार कार्ड और यहां पर जो पूरा आर्टिकल है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ लिखा हुआ देखने को मिलेगा नाव अपडेट मोबाइल नंबर इन योर आधार कार्ड थ्रो योर पोस्टमैन यानी कि अब आप लोग अपने पोस्टमैन के जरिए अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं और यहाँ पर दोनों ही प्रोसेस दिए हुए हैं यहां पर आप लोग देखेंगे तो विजिट पोस्ट ऑफिस और कनेक्ट पोस्टमैन ग्रामीण डाक, तो डाक मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते, कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको अपने पोस्टमैन को अपने होम पर किस तरह से बुलाना है उसका क्या प्रोसेस रहेगा तो इसके लिए आपको करना क्या है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिस एप्लीकेशन का नाम है पोस्ट इन्फो जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा इस एप्लीकेशन को आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद आपको ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जिसे कि आपको अलाउ कर देना है अब यहाँ पर आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिसमें कि फर्स्ट नंबर पर ही यहां पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सर्विस रिक्वेस्ट तो आपको यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा अब दोस्तों काफी लोग ये सोच रहे हैं ये वाला फॉर्म हम कई बार भर चुके हैं लेकिन हम लोगों के पास में कोई भी कॉल या फिर एसएमएस नहीं आया है यहाँ से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है आप लोगों को मैं दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ अभी ये जो अपडेट है यह बिल्कुल नया नया ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आया है तो अब अगर आप लोग इस प्रोसेस के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं तो आपका जो भी नियरेस्ट पोस्टमैन है उसे आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा और इसके बाद वो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर देगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको रिक्वेस्ट सेंड कैसे करनी है क्या प्रोसेस रहेगा इसके लिए आपको यहां पर अपने नाम को फिल कर देना है आप लोग जिस भी व्यक्ति के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवाना चाहते हैं यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है जिस भी एड्रेस पर आप लोग अपने पोस्टमैन को बुलाना चाहते हैं यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है ईमेल आईडी आपको यहां पर फिल कर देनी है इसके बाद यहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है यहां पर आप लोगों को सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक सर्विस देखने को मिल जाएगी आईपीपीबी आधार सर्विस तो आपको इसी वाली सर्विस को यहां पर सिलेक्ट करना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पहला ऑप्शन है यहाँ पर यू आई डी ए आई चाइल्ड जीरो से पांच साल यानी कि अगर आप बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हो तो पहले नंबर पर क्लिक करेंगे और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यू आई डी ए आई मोबाइल ई मेल आई डी टू आधार लिंकिंग अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है मोबाइल ई मेल आई डी टू आधार लिंकिंग अपडेट तो हमें अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना है इसके लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद अब रिक्वेस्ट ओ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो भी मोबाइल नंबर यहां पर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक ओ सेंड किया जाएगा उस ओ को आप लोगों को यहां पर एंटर कर देना है और ओटीपी को फिल करने के बाद में आपको कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे आप लोगों को यहां पर एक रिक्वेस्ट नंबर देखने को मिल जाएगा और ऊपर के साइड में आपको देखने को मिल जाएगा लिख के आ जाएगा रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली अब आप लोगों को इस रिक्वेस्ट नंबर को कहीं पर भी संभाल करके रख लेना या फिर आप लोगों को इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी के माध्यम से आप लोग इसका, इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अब अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक टू ट्रेक योर रिक्वेस्ट इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है जो भी अभी आप लोगों को रिक्वेस्ट नंबर मिला था उस रिक्वेस्ट नंबर को यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर फैच वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कंप्लीट स्टेटस देखने को मिल जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस स्टेटस में अभी आप देख सकते हो पेंडिंग लिखा हुआ है और जैसे ही आपके आधार कार्ड में पोस्टमैन मोबाइल नंबर को लिंक कर देगा इसके बाद यहाँ पर स्टेटस में आप लोगों को सक्सेस देखने को मिल जाएगा तो so, इस तरह से आप लोग न्यू अपडेट के माध्यम से अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करवाने के लिए रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवा सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों को पचास की पेमेंट को कम्प्लीट करना पड़ेगा अगर आपका पोस्टमैन ऑनलाइन पेमेंट को लेता है तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है अगर वो ऑफलाइन लेता है तो आपको ऑफलाइन में पचास पेमेंट को कंप्लीट कर देना है सो so, इस तरह से आप लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं